डी स्टूडेंट चैनल पर मैथ हिंदी साइंस सोशल साइंस संस्कृत इंग्लिश सभी सब्जेक्ट के वीडियोस आपको मिल जाएंगे आप एक बार वीडियो की डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट को चेक कीजिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट में सभी सब्जेक्ट के लिंक दिए गए हैं इस वीडियो में हम करेंगे डी क्लास सेवन साइंस चैप्टर टू का सोल्यूशन चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म एनिमल एंड मैन तो शुरू करते हैं इसका सोल्यूशन ए पार्ट है फीलिंग द ब्लैंक्स द डाइजेशन ऑफ फूड इन ह्यूमन्स स्टार्ट इन डैश एंड इज कम्प्लीटेड इन द डैश जो डाइजेश्चन होता है फूड का ह्यूमन्स में वो कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ पर ख़त्म होता है तो वो स्टार्ट होता है माउथ से और ख़त्म कहाँ पे होता है कंप्लीट कहाँ पे होता है स्मॉल इंटेस्टिन सेकंड है डैश प्रेजेंट इन द स्टमक किल्स बैक्टीरिया जो हमारे पेट में यानी कि स्टमक में बैक्टीरिया को कौन ख़त्म करता है वो है एच सी एल हाइड्रोक्लोरिक एसिड थर्ड है द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज़ द डैश ह्यूमन बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड क्या है वो है लीवर फोर्थ पार्शली डाइजेस्टिड फूड डैट इज़ च्यूड अगेन बाय ग्रास ईटिंग एनिमल इज़ कॉल्ड द कड जो पार्शली डाइजस्ट फूड होता है जिसको ग्रास ईटिंग एनिमल दोबारा से अपने मुंह में लाकर चबाते हैं ठीक है उसको क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं कड ठीक है यानी कि कड क्या है पार्शली डाइजेस्टिड फूड है फिफ्थ अमीबा यूज डैश फॉर लोकोमेशन एंड फॉर कैप्चरिंग इट्स फूड जो अमीबा है वो किसका यूज़ करता है लोकोमेशन के लिए लोकोमेशन यानी कि चलने के लिए ठीक है चलने फिरने के लिए और कैप्चरिंग इट्स फूड और अपना जो फूड है उसको कैप्चर करने के लिए किसका यूज़ करता है वो है सीडोपोडिया सेकेंड है हमारे पास मैच द फॉलोइंग हमने मैचिंग करनी है गॉल ब्लैडर की मैचिंग होगी बाइल जूस से प्रोटीन की अमीनो एसिड इंटेस्टिनल वॉल एब्जॉर्पन रूमेन काओ और सीडोपोडिया फाल्स फीट सीडोपोडिया को फाल्स फीट भी बोलते हैं डी स्टूडेंट डी क्लास सेवन साइंस के सभी चैप्टर्स मैंने करवा रखे हैं उसकी एक्सप्लेनेशन करवा रखी है तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि पहले आप उसकी एक्सप्लेनेशन देखें अच्छे से चैप्टर को समझें उसके बाद ही सॉल्यूशन करें अगर किसी ने एक्सप्लेनेशन अच्छे से देखी है चैप्टर को अच्छे से समझा है तो वो सॉल्यूशन अपने आप भी कर सकता है क्योंकि सभी आंसर्स चैप्टर में ही हैं बुक के अंदर ही हैं तो सी पार्ट है टिक द करेक्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन को हमने टिक करना है ऑर्गेनिज्म डैट कैन सिंथेसाइज देयर ऑन फूड आर कॉल्ड ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना जो भोजन है वो खुद बनाते हैं उनको क्या बोलेंगे उनको बोलेंगे ऑटोट्रॉप्स। नेक्स्ट है हमारे पास काओ इज एन काओ क्या है काओ है हेटरोट्रॉप। काओ क्या है हेटरोट्रॉप। थर्ड है एनिमल डैट इट बॉथ प्लांट एंड एनिमल आर कॉल्ड ऐसे एनिमल जो प्लांट मटेरियल भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं उनको क्या बोलेंगे ओमनीवोर्स फोर्थ है विच वन ऑफ दिज इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इसमें से कौन सा एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट नहीं है तो उसका आंसर होगा लीवर फिफ्थ है बाइल जूस इज़ रिलीज्ड बाय द बाइल जूस को रिलीज कौन करता है तो बाइल जूस को रिल रिलीज करता है लीवर तो ये तो हमारे ए बी और सी पार्ट कंप्लीट हो गए अभी हम इसका डी और ई e पार्ट भी करेंगे इसका डी पार्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ फर्स्ट है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म टर्म्स को हमने डिफाइन करना है सबसे पहले है होलोजोइक न्यूट्रिशन ये क्या होता है दिस इज ए मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा एंड ह्यूमन बींग ईट फूड डैड मे बी इन सॉलिड और इन लिक्विड स्टेट ये एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें जैसे कि अमीबा है और ह्यूमन बींग है वो खाना खाते हैं और वो जो खाना है वो सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है और लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है सेकंड है एलिमेंट्री कैनाल एलिमेंट्री कैनाल द लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब इन द ह्यूमन बॉडी थ्रू विच फूड पासिस आफ्टर इट्स इंजेशन ये एक लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब है ह्यूमन बॉडी में जिसमें से फूड पास करता है ठीक है तो ये देखो एलिमेंट्री कैनाल ए यहाँ से लेके ए यहाँ तक इस सारी को क्या बोलेंगे हम एलिमेंट्री कैनाल बोलेंगे गिव द मीनिंग ऑफ द टर्म्स अब हमने टर्म्स की मीनिंग बताना है क्या क्या मतलब है इसका सबसे पहले है एसिमिलेशन। एसीमिलेशन द प्रोसेस ऑफ यूजिंग द एब्जॉर्ब फूड फॉर ग्रोथ एंड फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी इसको बोलेंगे हम एसीमिलेशन सेकेंड है रूमिनेशन को हमने करना है डिफाइन क्या मतलब है इसका रूमिनेशन रूमिनेशन इज ए प्रोसेस ऑफ च्यूइंग द कड बाय ब्रिंगिंग इट बैड टू द माउथ तो आप सिर्फ इतना भी लिख सकते हैं कि रूमिनेशन इज ए प्रोसेस ऑफ च्यूइंग द कड ठीक है जो कड होता है जो ग्रास ईटिंग एनिमल होते हैं वो पहले घास वगैरह खा लेते हैं उनके पेट में चला जाता है वो और फिर दोबारा से वो ठीक है वो पार्शली डा डाइजेस्टिड फूड होता है और दोबारा से वो उस फूड को अपने मुंह में लेकर आते हैं और उसको चबाते हैं जुगाली करते हैं जिसको हिंदी में बोलते हैं जुगाली करना ठीक है तो रोमिनेशन इज ए प्रोसेस ऑफ च्यूइंग द कर्ड बाय ब्रिंगिंग इट बैक टू द माउथ डी का थर्ड है नेम द ऑर्गन डैट मेक अप ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल को जो ऑर्गन बनाते हैं उनका नाम बताना है तो सबसे पहले है बक्कल कैविटी फूड पाइप स्टमक स्मॉल इंटेस्टीन लार्ज इंटेस्टिन रेक्टम और एनस ये बनाते हैं ये सभी ऑर्गन मिलकर बनाते हैं एलिमेंट्री कैनाल फोर्थ है स्टेट द टू डिफरेंसेस बिटवीन मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ के बीच में दो डिफरेंस हमने बताने हैं सबसे पहले मिल्क टीथ दे स्टार्ट अपीयरिंग अबव द गम लाइन वेन ए बेबी इज सिक्स और सेवन मंथ्स ओल्ड ये जो दांत हैं जिसको दूध के दांत बोलते हैं हिंदी में ये कब अपीयर होना शुरू होते हैं जब जो बेबी है बच्चा है वो छः या सात महीने का होता है और परमानेंट टीथ का आप लिखोगे दे स्टार्ट अपीयरिंग बाय द टाइम ए चाइल्ड इज़ अराउंड सिक्स ईयर ओल्ड जब जो बच्चा है लगभग छः साल का होता है उसके आसपास पास उसके जो परमानेंट टीथ आने शुरू हो जाते हैं सेकेंड डिफरेंस क्या है दे आर इन ट्वेंटी नंबर्स ये बीस होते हैं मिल्क टीथ और ये जो परमानेंट टीथ होते हैं दे आर थर्टी टू इन नंबर्स ये बत्तीस होते हैं डी का फाइव है नेम द फोर टाइप ऑफ टीथ इन द ह्यूमन माउथ ह्यूमन माउथ में कितनी तरह के टीथ होते हैं वो हमने बताने हैं चार तरह के होते हैं इंसाइजर्स कैनाइंस प्री मोलर्स और मोलर्स क्वेश्चन नंबर सिक्स है डी का स्टेट द फंक्शन ऑफ द इंसाइजर टीथ एंड प्री मोलर टीथ इन दोनों के हमने काम बताने हैं कि इंसाइजर टीथ का क्या काम होता है और प्री मोलर का क्या काम होता है तो इंसाइजर्स आर यूज फॉर कटिंग ऑफ फ़ूड जो इंसाइजर्स होते हैं वो क्या कर क्या काम करते हैं फूड को कट करने का काम करते हैं और प्री मोलर्स क्या करते हैं प्री मोलर्स आर यूज फॉर ग्राइंडिंग ऑफ फूड ये फूड को ग्राइंड करने का काम करते हैं फूड को पीसने का काम करते हैं थर्ड है स्टेट द रोल ऑफ एसिड इन द ह्यूमन स्टमक ह्यूमन स्टमक में जो एसिड पाया जाता है उसका क्या रोल है जो वो एसिड होता है एसिड किल्स द बैक्टीरिया जो हमारे पेट में स्टमक में जो हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं एसिड उनको मार देता है ख़त्म कर देता है एसिड किल्स द बैक्टीरिया एंड प्रोवाइड्स द एसिडिक मीडियम नीडिड फॉर डाइजेशन ऑफ फूड बाय द एंजाइम्स इन द स्टमक और जो हमारे जो पेट में एसिडिक मीडियम बनाता है जिसके कारण हमारा जो खाना है वो पचता है एट्थ है स्टेट द फंक्शन ऑफ बाइल जूस एंड पेनक्रियाटिक जूस इन द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इन दोनों का हमने बताना है कि क्या फंक्शन है बाइल जूस का और पेनक्रियाटिक जूस का द बाइल जूस प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डाइजे ऑफ फैट जो बाइल जूस होता है वो फैट्स को पचाने में हेल्प करता है उसके कारण बाइल जूस के कारण जो फैट्स है वो पचती है सेकेंड है पेनक्रियाटिक जूस इसके कारण क्या होता है पेनक्रियाटिक जूस एक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट्स एंड ब्रेक दैम इनटू सिंपलर फॉर्म ये पेनक्रियाटिक जूस क्या होता है कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट्स को ब्रेक डाउन कर देता है सिंपलर फॉर्म में नेक्स्ट है ई पार्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ड्रॉ ए नीट वेल लेबल डाइग्राम ऑफ द ह्यूमन डाइजस्टिव सिस्टम ह्यूमन डाइजस्टिव सिस्टम का हमने एक नीट वेल लेबल डाइग्राम बनाना है तो आपके पेज नंबर सेवनटीन पर है आपके लेसन ये बुक में ठीक है तो आपने इस तरह से ये इसको ड्रॉ करना है और ये सारे इसके जितने भी ऑर्गन्स हैं इसको अच्छे से लिखना है ई e का क्वेश्चन नंबर टू है जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट हमने जस्टिफाई करना है क्रो इज एन ओमनी जो क्रो है वो ओमनीवोर होता है यानी कि वो मांस भी खा लेता है और जो प्लांट्स मटेरियल है वो भी खा लेता है कैसे सेकंड है इट इज़ सैड डैट द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स एंड अमीबा इज क्वाइट सिमिलर और अमीबा और ह्यूमन बींग्स की जो न्यूट्रिशन मोड ऑफ न्यूट्रेशन है वो सिमिलर होती है इसको भी हमने जस्टिफाई करना है तो ए का आंसर है क्रो इज़ ओमनी बिकॉज इट ईट्स बॉथ एनिमल एंड प्लांट मटीरियल जो क्रो है वो ओमनीवॉर है क्योंकि वो प्लांट मटेरियल भी खा लेता है और एनिमल्स जो मटेरियल है उसको भी खा लेता है यानी कि वो मांस भी खा लेता है और पेड़ पौधों से बनी हुई चीज़ें भी खा लेता है सेकेंड है द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स एंड अमीबा इज सिमिलर बिकॉज दे शो होलोजोइ मोड ऑफ न्यूट्रीशन ह्यूमन बींग और अमीबा में जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो सेम होता है लगभग क्योंकि दोनों में क्या होता है होलोजोइ मोड ऑफ न्यूट्रिशन को वो शो करते हैं दे ईट फूड डैट मे बी इन सॉलिड और इन लिक्विड फॉर्म वो जो भोजन करते हैं वो सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में हो सकता है थर्ड क्वेश्चन है गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग इंजेक्शन ऑफ फूड इज़ डिफ़िकल्ट विदाउट टीथ जो खाना हम खाते हैं वो अगर हमारे दांत ना हो तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा उसके ठीक है सेकंड है इफ़ वी च्यू राइस और ब्रेड फॉर ए फ्यू मिनट्स इट स्टार्टिंग टेस्टिंग स्वीट अगर हम कोई ब्रेड या चावल या दूसरी कोई चीज़ खाते हैं कुछ समय के लिए चबाते हैं उसको तो थोड़ी सी देर बाद वो हमें मीठी लगनी शुरू हो जाती है क्यों थर्ड है बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन द सीकम ऑफ रोमिनंट जो बैक्टीरिया रोमिनंट uh, के सीकम में प्रेजेंट क्यों होता है क्या कारण है उसका तो फर्स्ट का आंसर है इंजेशन ऑफ फूड इज़ डिफ़िकल्ट विदाउट टीथ बिकॉज टीथ ब्रेक डाउन द फूड इन टू स्मॉलर पीसीज विच आर ईजी टू स्वेलो जो टीथ है वो क्या करते हैं फूड को स्मॉलर पीसीज में ब्रेक डाउन कर देते हैं जिससे कि वो जो खाना है वो निगलना आसान हो जाता है ठीक है नहीं तो हम खाने को नहीं निकल पाएंगे जब तक कि टीस उसको छोटा छोटा ना कर दें उसको स्मालर पीसीज में ना कर दें तो ये था ए पार्ट का आंसर अब बी का है कि अगर हम कुछ देर के लिए चावल वगैरह चबाएं या ब्रेड वगैरह चबाएं तो हमें वो मीठा क्यों लगता है इफ वी चू राइस और ब्रेड फॉर ए फ्यू मिनट्स इट स्टार्ट टेस्टिंग स्वीट बिकॉज सलाइवा प्रेजेंट इन आवर माउथ ब्रेक डाउन स्टार्च इन टू शूगर जो सिलाइवा होती है हमारे यानी कि मुँह की जो लार होती है वो हमारे मुँह के अंदर जो लार होती है ब्रेक डाउन द स्टार्च जो स्टार्च होता है खाने के अंदर जो स्टार्च होता है यानी कि कार्बोहाइड्रेट होता है उसको वो शूगर में चेंज कर देती है लार ठीक है सलाइवा इसलिए हमें जो खाना है वो थोड़ा थोड़ा मीठा लगता है थर्ड है बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द सीकम ऑफ रोमिनट जो बैक्टीरिया है वो रोमिनट्स के यानी कि जो घास खाने वाले ग्रास ईटिंग एनिमल है उन उनमें प्रेजेंट होता है सीकम में प्रेजेंट होता है वो विच हेल्प इन डाइजेशन ऑफ द सेलुलर्स ऑफ द फूड और ये जो बैक्टीरिया है उसका काम क्या है डाइजेशन करना पचाना किसको पचाना सेलुलोज को पचाना ठीक है जो घास वो खाते हैं जो उनकी घास में जो सेलुलोज होता है सेलुलोज भी एक तरह का कार्बोहाइड्रेट्स होता है उस कार्बोहाइड्रेट को बचाने के लिए ये बैक्टीरिया हेल्प करता है यानी कि इसी बैक्टीरिया की मदद से ही सेलुलोज पचता है ठीक है और हमारे अंदर ह्यूमन बींग्स के अंदर ये बैक्टीरिया नहीं होता इसलिए हम घास को नहीं पचा सकते फोर्थ है एक्सप्लन हाउ डाइजेस्ट फूड गैट्स एब्जॉर्ब इन टू द ब्लड ये हमने एक्सप्लन करना है कि किस तरह से पचा हुआ खाना हमारे ऑब्जॉर्ब इन टू द ब्लड हमारे ब्लड में चला जाता है ठीक है अब देखो कैसे है द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब द डाइजेस्टिड फूड जो इनर वॉल होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की वो डाइजेस्टिड फूड को पचे हुए खाने को एब्ज़ॉर्ब कर लेती है इट हैज़ ए लार्ज नंबर ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल विली इसमें जो स्मॉल uh, इंटेस्टाइन में क्या होता है लार्ज नंबर ऑफ फिंगर लाइक उंगली की तरह बहुत सारी प्रोजेक्शंस होती हैं जिसको विली बोलते हैं द विली इंक्रीज़ द इफ़ेक्टिव सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्सन ऑफ डाइजेस्टिड फूड इस विली के कारण जो स्मॉल इंटेस्टाइन का एरिया बढ़ जाता है जिससे कि डाइजेस्टिड फूड को आसानी से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है दिस एब्जॉर्ब फूड इज़ पास्ड टू ब्लड वेसल और इस जो उसने जो फूड को एब्ज़ॉर्ब किया है उसको ब्लड वेसल तक ले जाया जाता है प्रेजेंट इन द विली विली के अंदर क्या होती हैं ब्लड वेसल होती हैं और फिर वो पचा हुआ खाना उन ब्लड वेसल में चला जाता है तो इस तरह से जो पचा हुआ खाना हमारे खून में मिल जाता है द डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब इन टू द ब्लड क्वेश्चन नंबर फाइव है स्टेट इन वन टू सेंटेंसेस इज़ द वेरियस प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन न्यूट्रिशन इन रूमिनेट एनिमल रूमिनेट एनिमल में जो प्रोसेस होता है न्यूट्रिशन का वो क्या है उसको हमने बताना है तो इसका आंसर होगा द वेरियस प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन न्यूट्रिशन इन रूमिनेट एनिमल आर द एनिमल फर्स्ट स्वेलो द फूड क्विकली एंड स्टोर इट इन देयर रूमेन सबसे पहले जो एनिमल होता है वो खाने को जल्दी से खा लेता है और वो जो खाना है वो अंदर जाकर रूमेन में स्टोर हो जाता है द रूमेन हैज़ सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेट हेल्प इन पार्शियल डाइजेशन ऑफ द सेलुलर्ज ऑफ द प्लांट मटीरियल अब इस रूमेन में माइक्रो ऑर्गेनिज़म होते हैं जो उस खाने को पार्शली डाइजेस्टेड कर देते हैं यानी कि पूरा नहीं पचाते थोड़ा पचा देते हैं उस खाने को ठीक है दिस फूड इज़ कॉल्ड कट और इस फूड को क्या बोलते हैं इस फूड को कड बोलेंगे फिर सेकेंड में द रूमिनेंट लेटर ऑन ब्रिंग दिस कर्ड बैक टू देर माउथ एंड क्यू इट थॉरली दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन फिर जो रूमिनेंट हैं यानी कि ग्रास रेटिंग एलिमेंट एनिमल्स हैं वो इस खाने को दोबारा से कहाँ ले आएंगे अपने मुँह में ले आएंगे और इसको अच्छे से चबाएँगे इस प्रोसेस को रूमिनेशन बोलते हैं थर्ड में द थोरो चूइंग ऑफ फूड ड्यूरिंग रूमिनेशन हेल्प टू ब्रेक डाउन द रिच सेलूलर्स कंटेंट ऑफ द प्लांट मटेरियल अब फिर अच्छे से जो वो चबा रहे हैं इसको कड को ठीक है फिर ये ब्रेक डाउन हो जाएगा ठीक है ये जो सेलुलस है वो सिंपलर फॉर्म में क्या हो जाता है ब्रेक डाउन हो जाता है फोर्थ में रूमिनेंट आल्सो हैव ए स्पेसियस बैग लाइक स्ट्रक्चर बिटवीन देयर स्मॉल इंटेस्टिन एंड लार्ज इंटेस्टिन जो रूमिनेंट होते हैं ग्रास हीटिंग एलिमेंट हो एनिमल्स होते हैं उनमें एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जो किस किस के बीच में होता है स्मॉल इंटेस्टिन और लार्ज इंटेस्टिन के बीच में होता है दिस इज़ कॉल्ड सीकम इसको सीकम बोलेंगे द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द सीकम और इस सीकम में बैक्टीरिया एक प्रेजेंट होता है हेल्प इन फर्दर डाइजेशन ऑफ सेलुलोज ऑफ द फूड जो क्या करता है जो फूड के अंदर यानी कि घास के अंदर जो सेलुलोज होता है उसको ये बैक्टीरिया पचाता है तो ये था हमारा प्रोसेस ग्रास ईटिंग एनिमल्स का न्यूट्रिशन का प्रोसेस अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ई e का क्वेश्चन नंबर सिक्स है एक्सप्लेन इंजेक्शन ऑफ फूड इन अमीबा थ्रू ए डायग्राम एक डायग्राम के थ्रू हमने बताना है कि जो अमीबा है वो अपना भोजन कैसे खाता है ठीक है जिस तरह से हम अपना भोजन हाथ से पकड़कर मुंह में ले जाते हैं तो अमीबा कैसे अपना भोजन प्राप्त करता है ठीक है कैसे खाता है वो भोजन को वो हमने बताना है एक डायग्राम के थ्रू ठीक है पहले इसकी थ्योरी देख लो व्हेन अमीबा कम्स इन कॉन्टैक्ट विद फूड जब अमीबा फूड के कॉन्टैक्ट में आता है इट प्रोड्यूसिस सीडोपोडिया अराउंड द फूड पार्टिकल ये जो अमीबा क्या करता है सीडोपोडिया उस फूड के चारों तरफ प्रोड्यूस कर देता है एज द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द सीडोफोडिया फ्यूज़ जैसी जो सेल मेम्बरेन सीडोफेडिया की फ्यूज़ होती है यानी कि मिल जाती है द फूड गेट ट्रैप्ड इन ए फूड वैक्यूल जो फूड है वो फूड वैक्यूल में ट्रैप हो जाता है फंस जाता है तो इस तरह से जो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ इंजेक्शन ऑफ फूड इन अमीबा इस तरह से जो अमीबा है वो अपना भोजन प्राप्त करता है और आप इसका पेज नंबर अगर इसका डायग्राम आपने देखना है आप पेज नंबर ट्वेंटी फोर आज आपकी बुक में है न्यूट्रिशन इन अमीबा इसका टॉपिक है तो आपने ये तीन स्टेप लिखने हैं ये वाला ये वाला और ये वाला ये तीन स्टेप आपने बनाने हैं क्योंकि इसने सिर्फ यही कहा था इंजेक्शन तक ही कहा था कि वो अपना भोजन कैसे पकड़ता है या कैसे प्राप्त करता है तो जैसे ये अमीबा है ये उसको फूड पार्टिकल जब दिखा ठीक है फूड दिखा जब उसको तो उसने ये ये जो उंगली जैसे आप देख रहे हो फिंगर जैसे देख रहे हो स्ट्रक्चर इसको सीडोपोडिया बोलेंगे इसको इसके चारों तरफ ही आ जाएगा और ये फिर ये सीडोपोडिया ऐसे ये बंद हो जाएगा ये बंद हो गया और ये फूड अमीबा ने ट्रैप कर लिया अमीबा के ये अंदर ये चला गया है फूड ठीक है इस तरह से वन टू थ्री ये तीन आप पिक्चर्स बनाओगे तो आपका यह डायग्राम कंप्लीट हो जाएगा तो इस वीडियो में इतना ही अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार